लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। लाहौर समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग दोबारा उरूज पर चली गई, जहां 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावज कर गया और लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट के लगभग है। शदीद गर्मी में 12 घंटों की लोड शेडिंग से शहरों का बुरा हाल है, जबकि कारोबार ठप होकर रह गया है। सारिफिन का कहना है कि गर्मी में इजाफे के साथ साथ बिजली की मौतलें भी बढ़ गई है। दूसरी जानब बढ़ती हुई महंगाई में बिजली की इस कदर लोड शेडिंग ने कमर्शियल सारिफिन को भी शदीद मुतासर किया है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 16.97% पर आ गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुसलसल 3 हफ्ते के बाद महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.26% कम होकर मजमूई शरह 16.97% रही है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 5 अशिया जरूरत की कीमतों में कमी हुई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 10.62 रुपए सस्ता हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में औसतन 174.53 रुपए कमी आई। जिंदा मुर्गी 15.05 रुपए और लहसुन 9.37 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 27 अशिया जरूरत की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू 3.15 रुपए, टमाटर 4.48 रुपए, प्याज 2.29 रुपए महंगा हुआ, जबकि चीनी की कीमत में 71 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदादो शुमार के मुताबिक दूध 4.17 रुपए, दही 3.26 रुपए फी किलो और अंडे 9.71 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। अदादो शुमार में बताया गया कि दाल चना 4.54 रुपए फी किलो, दाल माश 3.77 रुपए, घी 4.74 रुपए और सरसों के तेल में 19.63 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जबकि 19 अशिया जरूरत की कीमतों में इस्तेकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बेरोजगारी है, जबकि पेट्रोल से मुतालिक हमने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया है। लाहौर की अदालत में पेशी के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं और गरीब खानदान रो रहे हैं, इनके पास दवाई और इलाज कराने के पैसे ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बेरोजगारी है, जबकि पेट्रोल से मुतालिक हमने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गरीब एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। हमने महाना 28 अरब रुपए कौमी खजाने के खर्च करके पाकिस्तान के पिसे हुए करोड़ लोगों के लिए सब्सिडी दी है। यौम दिफा से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी धमाकों के वक्त नवाज शरीफ ने बड़े ममालिक के सरबराहों से तल्ख लहजे में बात नहीं की थी। अमरीकी सदर से नवाज शरीफ ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। नवाज शरीफ ने कहा था कि आपके 5 अरब डॉलर की पेशकश का शुक्रिया। नवाज शरीफ ने कहा था कि इंशाल्लाह हम जिंदा रहेंगे और हमें पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज़ करना है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज इमरान खान की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, शाह फरमान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, शाह फरमान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे और इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत को दी गई 6 दिन की डेडलाइन पर गौर होगा। PTI ज़रा का मजीद कहना है कि इजलास में दोबारा मार्च से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्का है, जबकि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास 2 बजे के बाद वज़ीर आला हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए। लाहौर के स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज को तलब किया था। वज़ीर आज़म की अदालत में आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आम साइलिंग को अदालती अहाते से बाहर निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज भी केस की समाअत के सिलसिले में अदालत पेश हो गए हैं। केस की समाअत के आगाज पर शरीक मुलज़िम सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद और गुलाम शबीर की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि ऐसा कागज पेश नहीं कर रहा जो हुकूमत के बदलने के बाद रिकॉर्ड पर आया हो। तमाम रिकॉर्ड पिछले दौर हुकूमत का है। 10 साल में खुलने और बंद होने वाले किसी अकाउंट का शहबाज शरीफ से ताल्लुक नहीं। पिछली हुकूमत का शहबाज शरीफ पर मुकदमात बनाकर पापन साल रखने पर फोकस था। कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ 10 मुकदमात हो तो बारी बारी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बने 24 साल मुकम्मल हो गए हैं। पूरे मुल्क में आज यौम तकबीर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज से 24 साल पहले आज ही के दिन वतन अजीज ने इस्लामी दुनिया में एक नई तारीख रकम की थी। पाकिस्तान ने भारतीय आटवी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी जौहरी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया था। आज यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। पूरी कौम मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्वीर बनाने वालों को सलाम पेश कर रही है।
वाज़ह है कि पाकिस्तान ने भारत के जवाब में 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान में एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद ऐसे कई मिसाइल बनाए और कामयाब तजुर्बात किए जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को पत्थरों और हथौड़े की मदद से तबाह कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के इलाके संता में एक चौक पर बने जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे पर एक दर्जन के करीब हिंदू इंतहा पसंद हल्ला बोल रहे हैं। वीडियो वायरल में देखा जा सकता है कि इंतहा पसंद जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को छड़ियों, पत्थरों और निशाना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि एक शख्स को हथौड़े की मदद से भी नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। वीडियो देखा जा सकता है कि हिंदू इंतहा पसंद जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के साथ नारे भी लगा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी पुलिस भी हरकत में आ गई है और 6 अफराद को गिरफ्तार करके के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। इस्लामी तावन तंजीम OIC ने भारत की जानिब से कश्मीरी हुरियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। OIC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर है जो आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद की क्यादत कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि कश्मीरियों की हकीकी जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। भारत से तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम फौरन बंद करने का मुतालबा है। वाज़ह है कि भारतीय अदालत ने कश्मीरी हुरियत रहनुमा यासीन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। तहम बुध के रोज यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने 2 उम्र कैद की सजा सुनाई जबकि इन पर 10 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। इस्लामाबाद में आयशा गौस पाशा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई बल्कि ये हमारी मजबूरी थी। अगर हम ये काम न करते तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता। एक सवाल के जवाब में मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले महीने के आगाज पर दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, लेकिन सच्ची बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने के हवाले से मुझे नहीं मालूम। बिजली की कीमतें बढ़ने से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि फिलहाल बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। सरकारी इदारों की निष्कारी से मुतालिक सवाल पर मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि दोहा में IMF से निष्कारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, लेकिन निष्कारी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये IMF का मुतालबा है बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि डिस्कोर्स को हुकूमत के मातहत नहीं होना चाहिए। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF के साथ जून में स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा, मुआहदे के बाद बोर्ड लेवल मीटिंग होगी जिसके बाद पैसे मिल जाएंगे। IMF को $5 अरब का क्या था, उम्मीद है कि $4 अरब हो जाएंगे। IMF से $3 बिलियन आएंगे, हमने इनसे कहा है कि प्रोग्राम की तौसी कर दें और इसमें $2 बिलियन और डाल दें। वजीर खजाना ने बताया कि इसी माली साल में 1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भी पैसे मिलेंगे। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। हरी मिर्च को इसके तीखेपन की वजह से बहुत कम खाया जाता है, लेकिन इसके हैरतअंगेज फवाहिद जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हरी मिर्च खाने से जहां मुतअद्दिद मौज़ी अमराज से बचा जा सकता है, वहां इन्हें खाने से वजन में भी नुमाया कमी होती है। हरी मिर्चें जल्द और निज़ाम हाजमा के लिए भी फायदेमंद होती है और इनमें शामिल विटामिन कई तरह की बीमारियों और मसाइल से भी बचाते हैं। एक बड़े साइज की हरी मिर्च में 11% विटामिन ए, 182% विटामिन सी और 3% आयरन के अज्जा शामिल होते हैं जो कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए काफी है। मस्कूरा तीनों विटामिन आंखों, जल्द निज़ाम हाजमा और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं और ये तवानाई देने समय जिस्म में मौजूद ब्राउन टिश्यूज को खत्म करने में मदद देते हैं जो कि मोटापे का सबब बनते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ये बात की है कि हफ्ते में 4 हरी मिर्च खाने वाले अफराद में दिल के अमराज के इम्कान कम हो जाते हैं जबकि इससे बास कैंसर के इकसाम की शरह भी कम हो जाती है। हरी मिर्चों में शामिल कुदरती अज्जा मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने समेत जिस्म को चर्बी में बदलने वाले ब्राउन टिश्यूज को खत्म करने में मदद फराहम करते हैं जिससे मोटापे में वाजे कमी वाकई होती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तनवीर जमाल को दूसरी मरतबा कैंसर की तशखीस हुई है जिसके बाद वो इलाज के लिए जापान मुंतकिल हो गए हैं। अदाकार ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने चाहने वालों से अपनी सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील की है। तनवीर जमाल गुज़िश्ता 35 वर्षों से अपनी शानदार अदाकारी के जरिए पाकिस्तान में अहम मुकाम रखते हैं। तनवीर जमाल को इनकी बेहतरीन अदाकारी पर PTV की जानिब से बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तनवीर जमाल ने प्राइवेट प्रोडक्शन में सबसे पहले एक्शन से भरपूर मेगा ड्रामा सीरियल गॉडफादर को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करके अपना नाम बनाया।
जबकि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड की गई। उन्होंने दर्जनों मारूफ ड्रामा सीरियल में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि अब पैंपर नहीं आएंगे और अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म जापान कनेक्शन डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है। तनवीर जमाल 2016 में पहली दफा कैंसर के मर्ज का शिकार हुए थे, तहम इलाज के बाद सेहतियाब भी हो गए थे, लेकिन चंद माह कबल इन्हें फिर से तकलीफ हुई और एक बार फिर कैंसर की तशखीस हुई, जिससे इनकी सेहत काफी मुतासर है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल ने ऐलान किया है कि वह अपने सर्च इंजन लॉगरिथम और कीवर्ड में बुनियादी तब्दीलियां कर रहा है। गूगल का कहना है कि यही वजह है कि डिजिटल कॉन्टैक्ट मैसेंजर्स और SEO के माहिरीन अगले कई हफ्तों तक अपनी वेबसाइट की रैंकिंग और दीगर उमूर पर गहरी नजर रखेंगे। गूगल ने बाजाबता तौर पर कोर सर्च के तहत नए लॉगरिथम और प्रोटोकॉल्स मुतारिफ कराए हैं। इसके तहत मशहूर वेबसाइट की रैंकिंग पर फर्क पड़ सकता है। 25 मई को गूगल सर्च ब्लॉग पर कहा गया था कि हम साल में कई मरतबा गूगल सर्च कोर का ऐलान करते हैं और अब इसका इतलाक 26 मई से कर रहे हैं। गूगल ने इस जमन में मजीद तफसीलात नहीं दी, लेकिन जब गूगल के निजाम पर लकब लगाने या इसके सर्च इंजन पर असरअंदाज होने की बैरूनी कोशिशें की जाती है तो गूगल अपने प्रोटोकॉल को तब्दील करता रहता है। गूगल ने अपने पोस्ट में कहा है कि साल में कई मरतबा हम अपने रैंकिंग के अमल को बेहतर बनाते हैं। इस अमल को कोर अपडेट्स कहा जाता है। ये तब्दीलियां वेब की बदलती सूरत हाल के तहत की जाती है, तहम वेबसाइट के मालिकान इस फर्क को वाज़ह तौर पर महसूस कर सकेंगे। गूगल ने कहा है कि कोर अपडेट्स में मखसूस सफहात और वेबसाइट को निशाना नहीं बनाया गया। मई के आखिरी हफ्तों के बाद अगले कई हफ्तों तक इसके वाज़ह असर महसूस होंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के दो कोपहमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की पांचवीं बुलंदतरीन चोटी माउंट मकालो को सर कर लिया है। सरबाज अली खान ने नेपाल में वाके 8463 मीटर बुलंद चोटी को हफ्ते की सुबह सर किया। सरबाज अली खान ने 8000 मीटर से बुलंदी दुनिया की 14 में से 11वीं चोटी को सर किया है। सरबाज अली खान ने चंद रोज कबल ही दुनिया के तीसरे बुलंद चोटी कंचनजंगा को भी सर किया है। सरबाज के करियर में बुलंद तरीन 14 चोटियों में से ग्लेशियर बर्म 1, शीश पनामगा और चोयो को सर करना बाकी है। सरबाज खान 11000 सर करने वाले पहले पाकिस्तानी है। दूसरे 20 साल शहरोज काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज काशिफ टॉप 5 बुलंद चोटियों को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए हैं, जबकि वो 8000 मीटर से बुलंद 14 में से मजबूती तौर पर 7 चोटियों को सर कर चुके हैं। नौजवान कोहपैमा बुलंद तरीन 7 चोटियों सर करने वाले तीसरे पाकिस्तानी है। शहरोज काशिफ से कबल सिर्फ मोहम्मद अली सतपारा और सरबाज खान ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले दूर बहादुर खपांगी ने दुनिया के सबसे छोटे कद वाले नौजवान का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खटमंडू से ताल्लुक रखने वाले दूर बहादुर खपांगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया। नौजवान की उम्र 18 साल के करीब है और इसका कद 2 फीट 5 इंच है और इसको दिए जाने वाले सर्टिफिकेट इसके सीने तक आ रहा है। वाज़ह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मार्च में दूर बहादुर को इस वक्त सबसे छोटे कद वाला नौजवान करार दिया था और अब इसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में पैदा होने वाले दूर बहादुर के वालदैन काश्तकार हैं, जबकि इसका एक भाई भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ये बात करते हुए दूर बहादुर के बड़े भाई नारा बहादुर ने कहा था कि अपने भाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि दूर बहादुर पैदाइश के वक्त ठीक था, मगर 7 साल की उम्र के बाद इसके जिस्मानी नशोनुमा रुक गई, जिसकी वजह हम नहीं जानते थे। इससे कबल ये आलमी रिकॉर्ड नेपाल के ही फट खांगिदा के पास था, जिसका कद 2 फीट 2 इंच था और वो 2020 में 32 साल की उम्र में चल बसा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We
have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. Ibn Sina mein primary care doctors ke alawa bahut sare specialists bhi available hai, jaise ki cardiology, dermatology, psychiatry, podiatry, neurology, nephrology aur deegar specialists maujood hai jo aapki sehat ki take care kar sakte hain. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medically medicine taken properly can give a good life. Ibn Sina ki services jo medical services se shuru hui thi wo expand hui medical, dental, diagnostic, specialty care and mental health services. Humne especially mental health services since last 1 year se expand ki hai. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.